हेलो भाई, आज हमने ऑर्डर किए हैं एक तो स्लीपी कैट का ये पिलो है जो कि काफ़ी फेमस है। ये पिलो मेरे पड़ा था 1492 का, और इसके साथ में मुझे कंफ्यूजन था तो मैंने मंगाया था माई आर्मर का। ये एक बेस्ट सेलिंग पिलो था, तो ये वाला मैंने कूल जेल मेमोरी फोम में मंगवाया है। ये वाला मुझे पड़ा है 1550 रुपये का। तो मुझे इन दोनों में कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों को मंगवा के कंपेरिजन कर लेते हैं। इसको मुझे मंगवाए 2-3 दिन हो चुके हैं और आज ये स्लीपी कैट वाला आया है, तो इसको मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। ये दोनों स्टैंडर्ड साइज में हैं, 4 इंच 4 इंच के हैं दोनों, ताकि नेक के लिए सपोर्टिव रहे। और इसके अंदर अपन साइड स्लिप भी कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी मुझे चेक करनी थी इसलिए मैंने दोनों मंगवाए हैं। स्लीपी कैट वाला मैंने स्टैंडर्ड साइज का मंगवाया, लेकिन ये फिर भी मुझे काफ़ी पतला लग रहा है। मैंने 4 इंच का ही ऑर्डर किया था, लेकिन माई आर्मर वाला काफ़ी मोटा है और स्लीपी कैट वाला काफ़ी पतला है। ये है माई आर्मर स्लीपी कैट का कवर वगैरह, इसका सब अच्छा है, लेकिन एक तो दाग लगा हुआ है पता नहीं क्यों पहले से। ये वाला है स्लीपी कैट का। और ये अपने घरों में जैसे तकिए होते हैं जो मतलब ऐसे होते हैं कि साइड्स में से पतले और बीच में से नॉर्मल, ये उस टाइप का है। और ये है माई आर्मर का। माई आर्मर का मतलब मोटा मोटा है चारों साइड से, और माई आर्मर वाला जैसे कि आप देख सकते हैं, माई आर्मर वाला साइड से अगर आपको दिखाएंगे, माई आर्मर वाला काफी मोटा लग रहा है। माई आर्मर वाला कूल जेल मेमोरी फोम वाला है और स्लीपी कैट वाला नॉर्मल वाला है। अब इसको खोल के दिखाएंगे। माई आर्मर वाले में भी लगभग ऐसा ही ब्लू कलर का ही फोम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और माई आर्मर वाला कूल जेल के नाम से आता है। इसको मैं थोड़ा सा निकाल के दिखा देता हूँ। ये वाला थोड़ा लाइक ग्रीनिश टाइप का है, इसमें कूल जेल घोल के आता है। इसको अगर अपन दबाते हैं तो इसके पोर्स में से हवा निकलती है, इसलिए ये शायद कूल रहता है, लेकिन पोर्स तो इसमें भी है, कूल ये वाला भी है। ज़्यादा सॉफ्ट मतलब स्लीपी कैट वाला लग रहा है। मेरा रूममेट है, उसके पास में एक एक लोकल पिलो है जो कि उसने सीधा फैक्ट्री से खरीदा था, तो उसका वो वाला पिलो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था, तो इसलिए मेरे को लगा कि क्या पता मेरा माई आर्मर वाला उतना सॉफ्ट क्यों नहीं है, जबकि मैंने इसके 1500 रुपये दिए हैं और वो एक लोकल फैक्ट्री से लेके आया, फिर भी उसको इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे मिल गई। तो इस कारण से मैंने ये वाला दूसरे वाले भी मंगवाया था। और दबाने के टाइम तो मेरे को लाइक स्लीपी कैट वाला ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। और मैं अब आपको नेक टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि गर्दन पे कैसा लगता है इसको डाल के, और आप खुद जज कीजिएगा कि ये है माई आर्मर वाला। अब आप इसमें मेरी नेक देख लीजिएगा कि कितनी ऊपर है, इसके अंदर कितनी मेरी नेक जा रही है, और आपको मेरी मेरी पूरी बॉडी दिख जाएगी कि मेरी नेक मेरी बॉडी से कितनी ज़्यादा एलिवेटेड है या नहीं है। और साइड स्लीपिंग के लिए तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप सीधा ऊपर मुंह करके सोते हैं सीलिंग की साइड, तो अगर आपको अपना हेड एलिवेटेड लग रहा है तो आपको छोटा छोटा पिलो चाहिए, 2 या 2.5 इंच वाला। और अब मैं आपको दूसरा तकिया दिखा देता हूँ। मैंने दोनों की सेम ही साइज मंगवाई थी, लेकिन पता नहीं ये वाला पिलो शायद साइड से ये वाला पिलो पतला है, इसलिए ये वाला पिलो इतना लग नहीं रहा कि ये उतना मोटा हो। अब आप इसमें देख लीजिए, इसके अंदर मेरा लाइक हैंड मेरे को अंदर जाता हुआ फील हो रहा है। ये वाला काफ़ी सॉफ्ट है माई आर्मर से। ऐसी कोई भी वीडियो मेरे को यूट्यूब पे मिली नहीं थी इन दोनों की कंपैरिजन की, तो मेरे को कंफ्यूजन था कि भाई मेरे को अगर 1500 रुपये लगाने हैं तो मैं अच्छा ही तकिया लूँ और दोनों में से बेस्ट लूँ। अब आप मेरे मेरे बॉडी पोस्चर के हिसाब से देखिए कि मेरा सिर्फ दूसरे वाले से ज़्यादा एलिवेटेड तो नहीं, ज़्यादा उठा हुआ तो नहीं है।
मेरे को सॉफ्टनेस में तो ज़्यादा सोफी वाली लग रही है, स्लीपी कैट वाला। इसके काफ़ी एड्स वगैरह देखे थे, तब मैंने इसको मंगाने का सोचा। और ये वाला कूल जेल वाला आया था, और इसका जो नॉर्मल वाला वेरिएंट है वो इससे शायद 100-150 रुपये सस्ता है, माई आर्मर वाला। मैंने एक कूल जेल वाला मंगवाया था, लेकिन इन दोनों का फोम मेरे को लगभग सेम सा ही लग रहा है अंदर वाला, बस सिर्फ कलर का डिफरेंस है। और कवर की अगर बात करें तो कवर स्लीपी कैट का ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा है, इसमें वो बैम्बू फैब्रिक नाम से आता है, और पीछे की साइड से ऐसा है। इसके कवर को आप सीधा सीधा निकाल के धो भी सकते हो। इसकी ये चेन वगैरह भी बढ़िया है, और माई आर्मर वाले की चेन मतलब काफ़ी पतली है। मैं इसको जब भी खोलता है बंद करता हूँ तो मेरे को इसमें डर लगता है कि ये कहीं टूट नहीं जाए। मैं इसकी चेन को बहुत बहुत धीरे धीरे मतलब खोलना या बंद करना पड़ता है, और इसके चेन टाइट भी काफ़ी है। तो और इस वाले पिलो को कवर में से निकालने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, और ये वाला पिलो मेरे को थोड़ा हार्ड लगा, इसलिए मैंने अभी ये वाला मंगवाया, माई आर्मर वाला। माई आर्मर वाला इससे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और जैसे दबाते भी हैं तो भी, और अपना हेड इसके अंदर उतना एलिवेटेड नहीं रहता जितना इसके अंदर रह रहा है मेरा हेड एलिवेटेड। ये चेक्स वाला वेरियंट है जो मैंने मंगाया था, चेक्स कवर के नाम से आता है ये चेक्स कवर के। इसके थोड़े एक्स्ट्रा रुपये लगते हैं, 200 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, और अगर आप विदाउट कवर मंगवाओगे तो आपके 100-150 रुपये कम रहेंगे। ये था माई आर्मर, ये माई आर्मर का कूल जेट टेक्नोलॉजी वाला माई आर्मर का, और ये है स्लीपी कैट का नॉर्मल जो आता है 1500 वाला। और ये दोनों स्टैंडर्ड साइज है 4 इंच, और आप जैसे कि साइड में से आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला पिलो आपको शायद ज़्यादा उठा हुआ दिखेगा जैसा हमको लग रहा है। और लेंथ में स्लीपी कैट वाला पिलो 1-1 इंच इनसे लेंथ और विड्थ में ज़्यादा बड़ा है। स्लीपी कैट वाला है 25 समथिंग का, माई आर्मर वाला है 24x15 का, और स्लीपी कैट वाला है 25x16 का। तो स्लीपी कैट वाला दोनों 1-1 सेंटीमीटर इससे बड़ा है, और विड्थ में दोनों ये 4 इंच के ही हैं, जबकि बढ़िया स्लीपी कैट वाला लग रहा है। स्लीपी कैट काफ़ी सारी मैंने वीडियोस वगैरह देखी तो, और लेकिन बेस्ट बाय ये था अमेजोन पे, इसलिए मैंने अभी दोनों मंगाए थे, तो अब मैं दोनों का टेस्ट कर रहा था। ओके थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, वैसे तो मैं कभी वीडियो डालता हूँ बस ऐसे डाल रहा हूँ क्योंकि कंपैरिजन के लिए कुछ भी था नहीं इन दोनों के बीच में। बाकी पिलोज का कंपैरिजन है माई आर्मर के साथ, लेकिन स्लीपी कैट के साथ में नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।